क्या लग रहा है, किस तरह की स्थिति अभी जो है ये बीमारी किस रूप में है? मतलब इससे भी बुरी स्थिति कुछ देखने को मिल सकता है क्या जीते? सामने में एक बच्चा कोलैप्स कर रहा है और कोई बचा नहीं पा रहा है। एक माँ अपने बच्चों के सामने कोलैप्स कर गया और सरकार कह रही है कि इस बीमारी का कोई लाइलाज नहीं है। अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब उन्हें लाइलाज नजर भी नहीं आएगा और ना ही कोई जनप्रतिनिधि नजर आएंगे। अब 2020 का चुनाव है और भगवान भरोसे उन्हें इस बात की पूरा भरोसा है कि मौत पर ही हम अच्छा सौदा कर सकते हैं। और ऐसे राजनीतिक व्यक्ति लोग और ऐसा सिस्टम, ऐसी सरकार, केंद्र और दिल्ली, हर साल 100, 150, 200 बच्चे मर जाएं और वो भी सिर्फ गरीब के, मिडिल क्लास से नीचे के बच्चे ही इसकी जिंदगी। मुझे तो एक सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि कोई अमीर का बच्चा, आप कहते हैं कि धूप में या अन्य जगहों पर घूम रहा है, इसका ये अलग असर है, तो मिडिल क्लास के बच्चे भी तो घूमते हैं, लेकिन इसमें सबसे अत्यधिक एकदम बिलो ऑफ पॉवर्टी लेन के नीचे में रहने वाले बच्चे है कि लगातार मौत हो रही है, जो किसी तरह अपनी जिंदगी जीता है और उसके बाद हर साल हम लोग नियति मान चुके हैं कि इसको मरना तय है, बस मरना तय है। जिस तरीके से बाढ़ को नियति मान लिए, प्रकृति को नियति मान लिए, कोई तूफान को नियति मान लिए, उसमें इसको भी मान लिए कि एक साल में 200 बच्चे, जो राष्ट्रपति कलाम हो सकता है, जो अब्राहम लिंकन हो सकता है, जो कबीर हो सकता है, जो साइंटिस्ट हो सकता है। गरीब का बच्चा ही तो साइंटिस्ट और IAS IPS होता है, कोई अमीर का बच्चा तो होता नहीं है। तो जो IAS IPS हो सकता है, जिस गरीब के बच्चों के भीतर प्रतिभा है, जो बेस्ट डॉक्टर हो सकता है, और वही तो 150, 200, 300 लगभग बच्चे मर जाते हैं। पहले तो सदन में यह सवाल कई बार हमने उठाया, लगातार सदन में रहे, सदन में यह सवाल उठाए, आज तक किसी मंत्रिमंडल में मंत्री को फुर्सत नहीं हुई। एक बार केंद्र की सरकार बड़ी पीठ थपथपाती रही है कि हम तो बहुत अजय बहुमत से जीत गए, तो एक बार मुजफ्फरपुर में भी तो आ जाइए। क्या ये भारत के अंदर नहीं है क्या? ये वंदे मातरम कहने वाले लोग नहीं है क्या? गरीब का जो जात है, गरीब जो लोग हैं, ये अलग हैं भारत से, भारत के नागरिक नहीं है। और सरकार इस बात को लेकर के देह तान देती है कि ये केंद्र सरकार खोज रही है, हम इस पर लगे हुए हैं और बच्चे डेली मर रहे हैं। सर, क्या लग रहा है, कई वर्षों से इस बीमारी का प्रकोप है और अगर सरकार सीरियस होकर के इसको खोजती तो अभी तक इसका निदान निकलता कि? सर, हर चीजों का निदान है, हर चीजों का निदान है, लेकिन जनता को जो गुलामी में जीने के का जो नेचर है, उसका निदान नहीं। ये जो भगवान भरोसे, भाग भरोसे जो जनता को आदत बन गई है, और इस 70-72 साल की आजादी के बाद हर नेता और हर सरकार के भीतर हमको गुलाम रहना है, 2 किलो खैरात में जीने की लेने की, इसका कोई निदान नहीं। और नेताओं ने, सरकार ने यह मान लिया है कि हर साल 300-400 बच्चे को मर जाना है, और फिर इस पर कोई बहस आप थोप दीजिए कि इस इलाज का, इस बीमारी का कोई, इस पर कोई एक ठोक घटना घटती है बॉर्डर पर तो हाय तोबा मच जाता है। चीन ने मार दिया है या चीन की तरफ गायब हो गया, अभी तक घटना नहीं घटी, अभी तक दुर्घटना, इतने 300 बच्चे मर गए, इस पर हाय तोबा नहीं मचा मुजफ्फरपुर में, देश में कैंडल नहीं जले। ये जो सॉवरन सिस्टम में जो ये जो बड़े बड़े साहित्यकार और कलाकार और बड़ी बड़ी हाई क्लास की महिलाएं लोग जो कैंडल जलाती हैं, एक बलात्कार पर कैंडल जलाती है, हाई वो भी हाईटेक बलात्कार पे, और जब गरीब का बलात्कार होता है तब उनको कैंडल जलाने की याद नहीं आता है। ये मौत किसी बड़े लोगों के घर में थोड़ी हुआ कि कैंडल जलेगा, ये जो 100 मौतें हैं ये गरीब और आम आदमी के घर में हुआ है, यहां कैंडल कौन जलाएगा, यहां आवाज कौन उठाएगा? पूरा का पूरा सिविल सोसाइटी
जो अपने को तथा कथित बौद्धिक लोग कहते हैं, पूरा का पूरा ये बड़े बड़े महकमे में कैंडल जलाने वाले और हायतोबा मचाने वाले सोसाइटी को मुजफ्फरपुर में आकर के देखना चाहिए। आप सब जगह जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी घटना की चिंता इस देश के सरकार को और इस बिहार की सरकार को ना हो और इसके लिए एक आवाज ना उठे मुजफ्फरपुर से और किसी को फुर्सत ना हो मुजफ्फरपुर आने की, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। हम सरकार से मांग करते हैं कि केंद्रीय मंत्री यहां आए, पूरी टीम यहां बैठाए और इसका एक अंतिम निदान निकालने का प्रयास करे कि मुजफ्फरपुर के गरीब के बच्चे बच सकते हों। माँ और पिता का सपना और उम्मीद जिंदा रखा जा सके।